भी ले लो, घंटा बजता आ रहा है हमारा भाई, कब जीतेंगे? पाकिस्तान कब जीतेगा? कब जीतेगा? कब? कौन सी टीम ले हूं? ओ भाई ये तो ऑकलैंड का ग्राउंड था, छोटा सा ग्राउंड है, इतने भी बजवा गई अपनी, इधर भी बजवा दी अपनी, इधर भी अपनी स्टैंड पैडिंग के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। मतलब पाकिस्तान से तो सब खेले हैं, पाकिस्तान के लिए कोई नहीं खेला भाई, पाकिस्तान से सब खेले हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई नहीं खेला, क्योंकि घंटे के किंगू ने अपने रन बनाए हैं, अपने रन। अभी कोई घंटे का किंग नीचे आ गई है ना, बोले कि बाबर आजम इतने स्ट्राइक रेट से खेल गया। बताने लगा हूं बाबर आजम ने क्या क्या किया है, बताता हूं बाबर आजम किस पावर प्ले में कितने रन करके गया, क्या करके गया। मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी टीम को 46 रन से शिकस्त दे दी है, और जितनी हमारी टीम की औकात थी उतना रन हमारी टीम ने बना लिया भाई, और जितने रन बनाने पे हमारे खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास और किंग के जो नाम है पाकिस्तानी देते हैं ना भाई, उतने भी उन्होंने बना लिए हैं। लेकिन माजरत के साथ इतने रन्स जीत के लिए काफ़ी नहीं थे, क्योंकि हमारी जो नंबर वन बॉलिंग है ना, नंबर वन सो कॉल्ड नंबर वन बॉलिंग, उसने 226 रन्स खाए हुए थे। और कप्तानी किस चिड़िया का नाम है कुछ समझ आई? विलियमसन से सीखे कप्तानी क्या होती है। इनको मार पड़ी, उसने अपने मेन बारल लाए, विकेट लिए हैं, मेन बारल लाए, विकेट ली। आपका कप्तान डर के दुपक्के कोने में खुदरे में छुप गया। लाहौर कैलेंडर ने सिखाया, आकिब जावेद ने, माय फुट एवरेज माइंड्स, आई विल ऑलवेज ब्रिंग एवरेज रिजल्ट। आई वांट टू नो किस गधे के बच्चे ने इसको नामकूल को पहले तो अभी से कप्तान बना दिया, फिर यह क्या 1980 की क्रिकेट थी कि मेरा बल्ला मेरी बॉल मैं ही बैटिंग करूंगा, मैं ही बॉलिंग। अब आमिर जमाल जब मौजूद है तू वहां पे बांसुरी बजा रहा है, तू ले रहा क्या पर अंदाजा लगाए ये क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर आप वर्ल्ड आउट हो गए। अब घटिया टीम, साली गटर टीम, 18 ओवर खेली जिसमें 35 डॉट, 12 ओवर आपने सिर्फ बैटिंग की, 6 ओवर आपने डॉट खेले, 2 ओवर आप पहले आउट हो गए, ये आपकी क्रिकेट है। अब किस मुंह से तुम लोग कहते हो हम इनसे अच्छे, हम उनसे, तुम नेपाल से भी बुरे हो, तुम्हारी टीम यूएई से भी घटिया और बदतरीन टीम है। अल्लाह कह रहा है तुम और जलील हो, और जलील हो, और जलील हो, ये मेरी दुआ अल्लाह से। फिर पाकिस्तानी क्यों वाम करती है? नहीं, पाकिस्तानी वाम बेवकूफ है थोड़ी सी, उनको पता नहीं है बाबर अगर वो कर भी रहा है तो स्कोर इतना ज्यादा हो नहीं रहा उसको। एक एक वही हमने बीएसएल से उठाए हैं, हमने बीएसएल से गंद उठाया उन्होंने, ठीक है। तो सिराज की बात कर रहे हैं, हम उनके बी कैटेगरी के साथ नहीं खेल सकते, कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली सा ब्रांड, तो बैटिंग पे ध्यान करे थोड़ा सा कि उसको किस तरह उन्होंने वे है ना, वो ठीक नहीं है, ठीक है। कभी कोई कैप्टन, कभी कोई कैप्टन है। इस अब तो बॉलिंग भी हमारी बढ़ गई है, बेस्ट थी। अच्छा जी, तो इतने कैच ड्रॉप किया फिर भी बेस्ट है, बेस्ट थी हमारे लिए, बेस्ट है। टी लेनी चाहिए पाकिस्तान से, पीसीबी से टिकट ले, विराट कोहली के पास जाए, कुछ शॉट वगैरह सीखे, उससे प्रैक्टिस ले। अच्छा कैप्टनसी में पीएसएल में उसने कैप्टनसी की हुई है और काफी अच्छी। सलार मुगला मेरा यूट्यूब चैनल देख रहा आदिश, जैसे कि आपको पता पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच हुआ फर्स्ट सीरीज, शाहीन अफरीदी जो कि कप्तान से उन्होंने परफॉर्म किया जो कि नहीं परफॉर्म हुआ। दोस्तों पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड पहला T20 मैच, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 46 रनों से हराया। डैरिल मिचेल के बाद टीम सऊदी चमके, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 46 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड द्वारा 227 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम 180 रन पर ही सिमट गई। दोस्तों न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए पहले T20 मैच में 46 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतनी मेजबान टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 226 रन बोर्ड पर लगा दिए। टीम को स्कोर तक पहुंचाने में डैरिल मिचेल और केन विलियमसन का अहम रोल रहा। मिचेल ने 27 गेंदों पर 61 रन बनाए, वहीं विलियमसन ने 42 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए अब्बास अफरीदी ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, वहीं हारिस रउस और शाहीन अफरीदी को भी 2-2 सफलताएं मिली। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी और 18 ओवर में 180 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की ओर से पूर्व कप्तान बाबर आजम ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने टीम सऊदी से 4 विकेट झटके। दोस्तों 227 रनों के लक्ष्य के
पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को पहला झटका। सईम अयूब के रूप में 33 रन के स्कोर पर लगा। सईम ने 8 गेंदों पर 27 रन बनाकर रन आउट हुए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में टीम सऊदी ने मोहम्मद रिजवान को 25 के निजी स्कोर पर अपने जाल में फंसाया। 9वें ओवर में फकर जमा के रूप में पाकिस्तान का तीसरा झटका लगा। फकर 10 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। ई सोडी ने उन्हें आउट किया। इफ्तियार अहमद ने 17 गेंद में 24 रन की पारी खेली। 16वें ओवर में पाकिस्तान ने आजम खान और शाहीन अफरीदी के विकेट गंवाए। इसके अगले ओवर में बाबर आजम भी पवेलियन लौट गए। बाबर ने 35 गेंदों में 57 रन की पारी खेली। उसामा मीर 1 रन बनाकर ही चलते बने। टीम सऊदी ने हारिस राउफ को आउट करके पाकिस्तान की पारी का अंत किया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अफगानिस्तान की हार पर बहुत खुश हो रहा था। उनको सहत साहब बास नहीं था कि यह दिन उनको भी वो जल्दी देखने को मिल सकता है। उनकी इस तरह से बुरी तरीके से हार होगी कि T20 के मैच में भी वो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाएंगे। अब ये टीम 10 ओवरों के मैच का इनके लिए कोई टूर्नामेंट कराया जाएगा तो वहाँ पर जरूर कुछ अच्छा कर पाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज हुई, बहुत ज़्यादा लोगों को गुस्सा मन में फूटा। आइए उनका रिएक्शन देखते हैं। इनकी बॉलिंग पे आओ, शाहीन अफरीदी गुस्सा तुम्हें इतना चढ़ा होता है कि पता नहीं तू क्या कौन सा तेरे अंदर जो है वो ज़हीर खान आया हुआ है। नहीं, कौन वसीम अकरम की औलाद है तू? कौन है तू? तुझे फिन एलन ने कुत्ता बना के मारा है। मतलब उसने तेरा, मैं कहता हूं तेरी बजाई है अच्छे तरीके से पकड़ के, मतलब सही मायनों में उसने तेरा घंटा बजाया। फिन एलन ने शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 24 रन मारे हैं और ये गुस्सा इसका देख लो। डंडा दे दिया उन्होंने आपके अंदर पकड़ के आज फिर मतलब क्या, पहले अपनी बॉलिंग का सत्यानाश करवा रहे उधर बैठ के। इतनी मार खाई है, इतनी मार खाई है, 11 छक्के 21 चौके और हम कहते हैं हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है। वो टेपिए टूपिए सब पिल रहे थे, शाहीन अफरीदी पिल रहा है, जो आ रहा है पिल रहा है, जो आ रहा है पिल रहा है और जो आ रहा है वो अपना घंटा बजवा के भाईजान जा रहा है। 226 रन पाकिस्तान ने कभी हाफ में भी बनाए हैं, मुझे इतना बताना जरा। नहीं, 226 रन इन्होंने कभी जिंदगी में चेज किए हो तो मुझे बताओ ना भाई। मेरे एक इधर स्टूडियो वाले कमरे में इनसे करवा लो 226 नहीं चेज होंगे, एक घंटे के बचे हैं, इनकी इनकी शक्लें ही नहीं है। क्या बेस्ती करवाने यार, कब जीतोगे? यकीन करो कब जीतोगे? एशिया कप जलील, वर्ल्ड कप जलील, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जलील, न्यूजीलैंड सीरीज जलीलत शुरू। जलालत का पहला कैप्सूल आपने ले लिया, पीछे 4 कैप्सूल पड़े हुए हैं। नहीं, शर्म करनी है या नहीं करनी? घंटा बजवाने से आराम करवाना है या नहीं करवाना? शर्म आएगी आपको या नहीं आएगी? क्या करें, ये पीएसएल का टैलेंट बच गया आगे अंदर आपके। किधर क्या रंज, किधर गए रंज? अब आ जाते हैं प्रोफेशनल घंटे के ऊपर, जो छुपके से अपने रंज करके चला गया। तो छुपके से अपने रंज करके चला गया, लेकिन बताता हूं करके क्या गया। इस घंटे के बच्चे ने पावर प्ले में 13 बालू पे 10 रन किए हैं। इसने 13 बालू पे 10 रन किए हैं पावर प्ले में। फिर ये जब खड़ा रहा जो है वो 14वें ओवर तक इसने 24 बालू पे 30 किए हैं, ठीक है, 24 बालू पे 30 किए हैं। फिर एंड पे भी इसने इतने ही रन किए हैं उतनी ही बालों के ऊपर, ठीक है। लाइक इसके 24 पे 30 थे, फिर एंड पे इसने 29 बालों पे 34 रन कर दिए हैं। करके क्या गया बेड़ा करे करा गया पाकिस्तान टीम का यार, छड़गड़ा करके गया ये बंदा। एक बंदा तीसरे नंबर पे आके बैटिंग कर रहा है, 8वें नंबर पे आउट हो रहा है और पाकिस्तान को वो मैच नहीं जीतवा के जा रहा। ऐसी इनिंग्स को मैं अपने पीछे ले लूं, मैं अब क्या करूं मुझे बताओ। नहीं, कहते हो ना बाबर आजम 50 कितने भी करके गया, 55 कितने भी करके गया, अपने तो कर गया, पाकिस्तान को मैच क्यों नहीं जीतवा आगे गया? वो कोहली है बेटा जो मैच जीतवाता है इंडिया को। याद है ना हम सीरी वाला टेपिए को बजाया था जिधर, वो रऊफ टेपिए को जिधर घंटा बजाया था उसका। नहीं, बाबर आजम अपने रन तो कर गया। पाकिस्तान की टीम ऐसी है भाई,
हमारी बैटिंग ऐसी है कि 180 से ऊपर जब टारगेट जाता है भाई तो हमारी जो टांगे हैं वो कांपने लगती हैं। आज एक साइम अयूब की बैटिंग देख के ऐसा लगा कि यार ये जो लड़का है ये 226 चेस कर रहा है और ये रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से बैटिंग कर रहा है। बाकी जैसा चलता हुआ आ रहा था वैसा ही चल रहा था। जब बाबर और रिजवान इकट्ठे होते हैं आपको मालूम है क्या होता है, रिजवान अगर देखा जाए 14 बॉलों पे 25 रन और जनाब जो है वो आउट होके चलते बने। फिर बाबर आजम की बात करें, ठीक है बाबर आजम जैसा खेलता होता था वैसा ही खेला, 35 बॉलों पे 57 रन, लेकिन ये बैटिंग भी 226 चेस करने के लिए काफ़ी नहीं थी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाबर आजम बीच में बड़ा फंस के बैटिंग कर रहे थे, बैट पे बॉल ही नहीं आ रहा था। ये तो लास्ट जो है वो आउट होने से पहले एक छक्का एक चौका लगाया तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर हुआ, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। ये तो बाबर आजम जब ओपनर थे ना तब भी ऐसी ही बैटिंग करते थे और मिडिल ऑर्डर में भी बाबर आजम ने ऐसी ही बैटिंग की है। बाबर आजम ने मैच विनिंग पारी नहीं खेली है, मैच फिनिश करने वाली पारी बाबर आजम ने नहीं खेली है। और यह भी हकीकत है कि बाबर का साथ किसी और ने भी नहीं दिया। आप देखें फहर जमान 10 बॉलों पे 15 रन, बड़ा कमाल का जो सोदी ने कैच पकड़ा। फिर इफ्तिहार अहमद 17 बॉलों पे 24 रन, ये भी जनाब आउट हो गए। आजम खान इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बड़कें चलती है भाई, लेकिन ये बंदा भी T20 में ठुसी है भाई। बस इसको PSL में पाकिस्तान की फटा पिचेस में खिला लो, ये छक्के भी मारेगा चौके भी मारेगा, लेकिन जब ये बाहर जाते हैं भाई तो तब जो है इनकी ठुस निकल जाती है, तब जो है इनसे कुछ हो नहीं पाता है। तो आजम खान भी अगर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्लाह का करम। अच्छा मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, जैसे कि आज पाकिस्तान हार गया, क्या कहना चाहेंगे? सवाल पाकिस्तान हारा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी मेरे ख्याल से पहला कैच नहीं देखा जो बाबर आजम ने ड्रॉप किया, सबसे गंदा कैच उन्होंने ड्रॉप किया है। और उसके अलावा शहनशाह अफरीदी ने बॉलिंग बहुत ही गंदी की है, कप्तान पहली मेरे ख्याल से उसका आज कप्तानी का फर्स्ट मैच था बहुत ही गंदी किस्म की कप्तानी की है जिसकी वजह से हम मैच हारे हैं। अच्छा मुझे बताएं अगर हम सैमयू की बात करें न्यू टैलेंट, और ये अगर बात करें पुराने एक्सपीरियंस से परफॉर्म नहीं, और सैमयू न्यू आए हैं 7 बॉलों में 27 स्कोर कर गए, अच्छा परफॉर्म कर गए, अगर रन आउट ना आते तो वो जो अच्छा परफॉर्म करते हो सैमयू रिजवान ये अच्छा प्ले करके गए हैं। बाबर आजम बहुत गंदी बैटिंग की है, बाबर आजम का कोई तोड़ ही नहीं है, बेफजूल उसको टीम में रखा, उसने एशिया कप में भी हमें मरवाया है, वर्ल्ड कप में भी हमें मरवाया है, वर्ल्ड कप में वो एक कैटेगरी मांगता रहा, किस बात की एक कैटेगरी मांगता, टॉप ऑर्डर मांगता रहा, ये इस चक्कर है, इस वजह से मेरा ख्याल है कि बाबर आजम बेकार है, फालतू। अच्छा सर आपने जैसे बोला वो बेकार है, अगर आप बात करें पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे विराट कोहली के साथ कंपेयर करती है, ये मुझे थोड़ा बता दें, थोड़ी हमें आज हमने आईना दिखा दिया है, बाबर आजम न्यूजीलैंड ने भी एक्सपोज कर दिया बाबर आजम को भी, हमारी टीम को भी, और शहनशाह अफरीदी को भी कर दिया, उनकी कप्तानी में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे सर, हम क्यों कंपेयर करते हैं किसी के साथ अपने आप को? बाबर आजम का विराट कोहली के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्या वजह क्यों नहीं करते? कोहली एक ब्रांड है, कोहली एक बहुत अच्छा कप्तान भी रहा है, एक बहुत अच्छा बैट्समैन भी है, कोहली का जोड़ नहीं बनता बाबर आजम के साथ। तो फिर पाकिस्तानी क्यों वाम करती है? पाकिस्तानी वाम बेवकूफ़ है थोड़ी सी, उनको पता नहीं है बाबर आजम का और कोहली का। और शायद आपको पता हो मोहम्मद आसिफ ने कहा था कि बाबर आजम मेरी 2 बॉल खेल ले, उसके बाप ने कहा था 2 नहीं 6 खेलेगा, मैं कहता हूँ कोहली खेल सकता है बाबर आजम नहीं खेल सकता। अच्छा वो तो आपकी बात ठीक है। अब मुझे ये बताएं सर आज क्या आपको वीक पॉइंट नज़र आया पाकिस्तान के, अगर बैटिंग की बात करें, बैटिंग में तो बाबर आजम की एक बड़ी अच्छी है, मुझे मज़ेदार एक चीज़ बड़ी मज़ेदार उनकी मुझे लगती है जो मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताता, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने इंडिया की टीम देखें, एक कैटेगरी है इंडिया की, हमारी जो उनकी बी हो हमारी ए हो, नहीं कंपैरिजन कर सकते, हम नहीं खेल सकते। अच्छा आपका इनका ये कहने का मकसद है कि हमारी यहाँ पे शोर है, मैं मोहल्ले में कर रहा हूँ, इनका कहने का मकसद ये है कि हमारी ए कैटेगरी और सॉरी ए टीम और उनकी बी टीम फिर भी मुकाबला नहीं हो सकता, कि इतने बुरे हालात हमारी जो क्रिकेट के हो चुके हैं, इसकी क्या वजह है, क्यों हमारे क्रिकेट के हुए ऐसे बुरे हालात? ये चीफ सेलेक्टर की मेहरबानी है, कभी हफीज़ को बना देते हैं, कभी किसी को बना देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम में कुछ ऐसा मैनेजमेंट नहीं है जो एक अच्छा स्क्वाड लेकर आए। अब सैम अयूब है, रिजवान है, इसके अलावा कुछ और अच्छे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट बढ़ा है, मेरे ख्याल से बाबर आजम को भी फ़र्क करें उससे अच्छा तो हमारा लाहौर का तो मूर मिर्जा टेबल खेलता है, काला क्या नाम है काला का, बाबर आजम का लोग कंपेरिजन करते हैं कि विराट कोहली के साथ, विराट कोहली इज़ अ ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है, वो जिस तरह मैक्सवेल एक ब्रांड है विराट कोहली भी एक ब्रांड है, विराट कोहली
मेरे ख्याल से ना विराट कोहली, बाबर आजम को कुछ 6 महीने की छुट्टी लेनी चाहिए, पाकिस्तान से पीसीबी से टिकट ले, विराट कोहली के पास जाए, कुछ शॉट वगैरह सीखे, उससे प्रैक्टिस ले, विराट कोहली का मुकाबला नहीं कर सकते। शेन शाह अफरीदी के वाले से क्या कहते हैं? नहीं, शेन शाह अफरीदी जो बुमराह के पास जाए। अच्छा, उसके पास जाए, किसी ना किसी के पास जा रहे हैं। मकसद कहने का है कि सर आज की जो फर्स्ट मैच में हमारी ये परफॉर्म इतनी गंदी परफॉर्म रही, वीकनेस हमारी शो हुई, हमारी आज जो कि कैच भी ड्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा हुए, और हम बात करें फील्डिंग लूज फील्डिंग रही, बॉलिंग तो इंतहाई घटिया बॉलिंग हमने की है, और अगर हम इंडिया की कल मैच की बात करें, भाई से बात करूँ, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच की बात करें, तो उसमें इंडिया की जो के आईपीएल की लीग से उन्होंने जो टैलेंट उठाया, और वो उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, और कल उन्होंने अफगानिस्तान को भी हरा दिया। क्या तुम इसी तरह जलील होते रहो जैसे हॉकी को खा गए, स्क्वाश को खा गए, टेनिस को खा गए, फुटबॉल को खा गए, पाकिस्तान को खा गए, क्रिकेट को भी खाओ, लाओ अपनी मर्जी के अपनी अम्मा के यारों को बिठाओ और ये रिजल्ट लो। ले भाई जन वो सामा मीर, बॉलिंग में 50, बैटिंग में 1 रन, ये आपकी क्रिकेट है। ये आप देखे 163 का स्ट्राइक रेट चले, बाबर ने मिस भी किया, ये भी किया, वो भी किया, 33 बालों में 50 था। मेरा नहीं ख्याल है कि बाबर ही की माँ बहन की जाए, बाकी भी थे। क्या फायदा सैम अय्यूब के 27 का जब उसमें दिमाग नहीं, तेरा सिंपल फलूदा क्या छोड़ा विलियमसन ने, ऐसे फलूदे आपको बार बार नहीं मिलेंगे। क्या किया तूने? रिजवान को देखे फलूका चढ़ा दिया, वो देखे वो आपका कुहाड़ा एक मैच में चलता है, ये बेस बॉलर फुल टॉस में कॉटन बोल्ड हो गया, आपने कहा सोडी और इसका मैच मजे का होगा, ये देख लें कि सोडी और इसका मैच कितना मजे का हुआ। रिजवान साहब आपकी सिलेक्शन इंतहाई बदतरीन बेकार तरीन, ये लाहौर कैलेंडर ने जो तैयार किए हैं बंदर, ये बंदर कभी भी नहीं जीत सकते। कप्तानी ऐसे नहीं होती कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे, अभी आपको बहुत टाइम चाहिए था, इसको थोड़ा सा सीखने दे। इतना डर गया था 24 रन खा के कि ये बॉलिंग ही नहीं करने आया, और ये सिर्फ और सिर्फ शाहीन की मेहरबानी है कि इन्होंने 226 कैच छूटते हैं, इन्होंने भी 2 कैच छोड़े आपके, रिजवान का भी और सैम का भी, कोई बात नहीं। आपका वो जो आपने भेजा ना सोमू रेसलर, वो जो धरती का बोझ पूरी दुनिया जिसके लिए कहती है, विकेट कीपिंग में उसके हाथ पांव कांप रहे, बाउंड्रियों में एक एक रन बन रहा, मिस फील्डिंग में एक एक रन बन रहा है। जब आप इस तरह की अनफिट पर्चियां बेटे भतीजे भांजे खिलाएंगे तो मेरी जान, क्रिकेट से अच्छा आप बंद कमरे में कोई गोली पिल्ला खेले, वो जो बेडरूम में छक्के मारता था ना आसिफ, इसी तरह के कोई छक्के इकट्ठे करें। ये क्रिकेट आपके पास के नहीं है, ये इबरतनाक दर्दनाक शिकस्त है। मुझसे आयुष गर्ग साहब पूछ रहे थे कितना पाकिस्तान कर लेगा, मैंने कहा एनीथिंग ओवर 170 पाकिस्तान की टांगे काम जाती हैं, ये देखे 226। हालांकि टेक्निकली रिजवान कोई 24 बालों में 50 बहुत ज्यादा नहीं होता, आपने T20 में क्या वनडे में बहुत दफा देखा होगा टीमें इस तरह से आती है, लेकिन घटिया बैटिंग ऑर्डर, आमिर जमाल की मौजूदगी में ये शाहीन शाह अफरीदी ने पीएसएल में एक बारी में स्कोर किया, हर दफा ये बल्ला लेता है, मुंह उठाता है, बंदर की तरह हंसता है, की तरह उठ के आ जाता है, आउट होके चला जाता है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।